मिनिस्ट्री ऑफ सैफरन के पास मैंडेट है अफगान रेफ्यूजीज का, ठीक है, उनके जितने भी अफेयर्स हैं उनके मैनेजमेंट का, उनकी पॉलिसी का जितना भी है वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ सैफरन देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ सैफरन ने इसके लिए हर सूबे में एक कमिश्नरेट एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा कमिश्नरेट है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बिकॉज हमारे पास सबसे ज्यादा तादाद अफगान महाजरीन की केपी में है। हमारा बेसिक जो काम है वो ये है कि हम जो यूएन एजेंसी है उसके साथ हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं, एनुअल प्लानिंग करते हैं और उनको हम फैसिलिटेट करते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। हमने एक अर्बन रेफ्यूजी मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है जिसको सैफरन ने अप्रूव किया है, ठीक है। उसके अलावा हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए अर्बन रेफ्यूजी सपोर्ट यूनिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। लाइक हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये सपोर्ट यूनिट है जिसमें एक एजुकेशन का डेस्क है, एक हेल्थ का है, एक प्रोटेक्शन का है, एक रिपेट्रिएशन का है और एक लाइवलीहुड का है। और इस साल सलमान साहब हम इस सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, लाइक इसके थ्रू जितने भी रेफ्यूजी स्टूडेंट्स होंगे वो, या अगर किसी को हेल्थ का इशू है या प्रोटेक्शन का इशू है या कोई वापस जाना चाहता है और फैसिलिटेशन चाहता है तो वो इस डेस्क को या इस यूनिट को ऑनलाइन भी अभी इंशाल्लाह वेरी सून एक्सेस कर सकेंगे। अफगान रेफ्यूजीज को आज तक इंटरनेशनल जितना भी एड मिला है, ठीक है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ यूएन सिस्टम के थ्रू मिलता है, ठीक है, प्राइमरीली थ्रू यूएनएचसीआर, ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनिशियली, नॉट नाउ। और ये जो यूएन सिस्टम है वो मुख्तलिफ अपने एनजीओस के थ्रू इसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, शेल्टर में, वहाँ पे ये उसको स्पेंड करता है। हुकूमत पाकिस्तान को आज तक एक पैनी, आई एम रिपीटिंग दिस, एक पैनी भी नहीं मिली। पाकिस्तान में जितने भी अफगान सिटीजन्स या शहरी रह रहे हैं वो सब महाजरीन नहीं है। इस वक्त हमारे पास अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 3-4 कैटेगरीज हैं अफगान सिटीजन्स की जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। कैटेगरी को हम महाजर का स्टेटस देते हैं, उसको हमने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का कार्ड दिया हुआ है, पीओआर कार्ड उसे कहते हैं, और ये यूएनएचसीआर ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलके इनको नादरा के थ्रू इशू किया हुआ है, ठीक है, और इसमें इनके लेटेस्ट हमारे पास बायोमेट्रिक्स भी हैं, अफगान रेफ्यूजीज इनको हम कहते हैं, और इनकी तादाद 1.4 मिलियन है, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम ACC कार्ड होल्डर्स कहते हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, ठीक है, और इनकी तादाद तकरीबन 8,80,000 है, और ये वो लोग हैं जो कि 2016 से पहले अनडॉक्यूमेंटेड थे। और ये हमने जो ACC कार्ड इशू किया है सलमान साहब, ये हमने हुकूमत अफगानिस्तान जो उस वक्त थी उसके साथ मिलके इशू किया था, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है विद दिस रिजीम। और हमारा अल्टीमेट प्लान इनका ये था कि जी हमने इनको फेज वाइज रिपेट्रिएट करना है। जो तीसरी कैटेगरी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि इस दो प्रोसेस से मिस आउट हो गए थे समहाउ, ठीक है, और उनकी जो रफली तादाद है वो तकरीबन 1 मिलियन तकरीबन उसकी तादाद होगी। अब इंटरेस्टिंगली फोर्थ कैटेगरी भी इसमें ऐड हो गई है, ठीक है, और वो जो रिसेंटली जो रिजीम चेंज हुआ है 2 साल पहले अफगानिस्तान में, तो उसके बाद काफी अफगान सिटीजन आए हैं यूजिंग पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट कंट्री, वो इंटरेस्टेड हैं टू मूव आउट टू अ थर्ड कंट्री, थर्ड कंट्री रिसेटलमेंट में वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 2 कैटेगरीज में हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती और वो दे वांट टू मूव ऑन थर्ड कंट्री में रिसेटल होना चाह रही है, ठीक है, तो इस मकसद के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है विद यूएनएचसीआर। इनकी तादाद जो कि यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर हो चुकी है वो 4.5 लाख तक है। दूसरी कैटेगरी जो न्यू अराइवल्स की आप बात करें वो लोग हैं जो कि प्रॉब्ली इतने इंथुजियास्टिक नहीं है टू मूव टू अ थर्ड कंट्री। जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं या जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इनको हम रिपेट्रिएट करें और वहाँ पे रिसेटल करें इनसाइड अफगानिस्तान, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जी अफगानिस्तान के अंदर कंडीशंस कैसे हैं, वो कंडूसिव हैं फॉर रिटर्न एंड रीइंटीग्रेशन या नहीं है। सबसे पहले तो ये कि जी ये ओवरनाइट डिसीजन हमारा कभी भी नहीं था। इकोनॉमिक जो इन्फ्लेशन आया है उसकी वजह से अर्बन सिटीज में रहना बहुत मुश्किल हो गया। ये लोग जो हैं ये अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं, ठीक है, इनके पास कोई मेजॉरिटी के पास कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं है टू सस्टेन देमसेल्व्स, तो ये बहुत वल्नरेबल हैं यहाँ पे। ये उन लोगों की कैटेगरीज हैं फॉर एग्जांपल जिनके पास या तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, या फिर वो लोग हैं जो कि तस्करे पे आए थे या पासपोर्ट पे आए थे वीज़े पे और वो वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया है, ये वो लोग हैं।
इसमें से एटलीस्ट आई कैन अश्योर यू कि POR कार्ड होल्डर्स नहीं है, इसमें ACC कार्ड होल्डर्स नहीं है, और ये सिर्फ वो लोग हैं जिनका जाना हम समझते हैं कि उनके लिए खुद भी बहुत जरूरी है. व्हेन यू डोंट हैव अ फेस एंड अ नेम तो आप खुद बहुत वल्नरेबल होते हैं. जो स्टेट आपको प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है वो आपको ऑफर नहीं कर रहा बिकॉज यू आर नॉट ऑन देयर रेडार, यू आर नॉट इन देयर डॉक्यूमेंट्स. इनको भी हमने बहुत दफा एंगेज किया कि जी यू नीड टू गो बैक, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएं एंड यू मोस्ट वेलकम देन, लेकिन विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप आए. वल्नरेबल जो भी होगा, जिसको कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर इफ समबडी इज सीरियसली इल, या अगर कोई भी आपको वहां पे प्रूवन थ्रेट है टू योर लाइफ इनसाइड अफगानिस्तान, या आपका कोई और इस किस्म का प्रेसिंग इशू है कि जी आप समझते हैं कि जी आपको वापस नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं. ऐसे लोग काफ़ी हैं जिनके यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं हुए, उनको हम ज़रूर इंगेज करेंगे. ठीक है, ये बिल्कुल आपके इस शो के तहत मैं ये जो एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि जी पता नहीं इनकी प्रॉपर्टी स्नैच हो जाएंगी या क्या हो जाएगा, दे शुड एक्चुअली कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स. ये बहुत अच्छा मौका है कि वो आके अपना ये हमारे कमिश्नरेट में exactly. आए, ये हमारे जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहाँ पे आए और अपना अपने आप को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनको फैसिलिटेट करें. बिकॉज हमारा एक प्रोग्राम ये भी है कि हम इनको मुख्तलिफ वो फ्लेक्सिबल वीजा रिजीम जिसे कहते हैं कि अगर आपका कोई रेफ्यूजी यहाँ पे रह रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम कि जी आप बिजनेसमैन हैं, व्हाई डोंट यू बिकम अ बिजनेसमैन, आप वो वीजा लें, आप इंटरनेशनल बिजनेस करें, आप टैक्स दें. तो ये हम वर्ल्ड बैंक के तहत जो फ्लेक्सिबल वीजा रिजीम है और POR कार्ड होल्डर्स, ये हम अभी वेरी सून लॉन्च करने जा रहे हैं. तो जो भी हमारे अफगान भाई हैं जिनको कोई वल्नरेबिलिटी है या जिनके यहाँ पे स्टेक्स हैं बहुत हाई स्टेक्स हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड बी इन आर बुक्स, ताकि हम इनके लिए कोई फैसिलिटेशन का और सपोर्ट का इंतजाम करें. किसी का भी रेफ्यूजी बनना ये एक क्लाइमेटी के तनाजुर में, वो क्लाइमेट चेंज के सूरत में हो, वो इकोनॉमिक इमिग्रेंट हो, वो वॉर की वजह से हो, ये एक इंसानी अलमिया है और इसको एक इंसानी लेंस से ही देखने की ज़रूरत है. तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की रियासत और वो लोग जो कि इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत पाकिस्तान और इसके अहलकार मुसलसल कोशिश में हैं कि इस इंसानी अलमिये को बढ़ने से रोकें और इसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे.